दोस्तों, एक बार आप सभी को आपके चैनल यू आर्टिस्ट में। दोस्तों, आज इस वीडियो के दौरान मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मणापुरम फाइनेंस लिमिटेड से हम ऑनलाइन गोल्ड लोन के लिए कैसे अप्लाई करें और हमारा जो लोन अमाउंट है वो सीधे अपने अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा इस प्रोसेस में सिर्फ दो मिनट के अंदर। तो दोस्तों, सबसे पहले मणापुरम फाइनेंस का जो एप्लीकेशन है या फिर वेबसाइट है उसमें आपका अकाउंट रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो चलो चलते हैं दोस्तों, आपको ले चलता हूँ मणापुरम के एप्लीकेशन में और जानते हैं कि कैसे ऑनलाइन गोल्ड लोन हम अप्लाई करें आप अपने मोबाइल फ़ोन से सिर्फ दो मिनट के अंदर। दोस्तों, आप लोग अगर मणापुरम एप्लीकेशन में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अगर नहीं किए हो तो ये प्रोसेस बहुत सिंपल है। तो आप लोग इसमें रजिस्ट्रेशन कर दीजिए आपका मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस। तो उसमें रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपके पास कुछ इस प्रकार का होम स्क्रीन आपके सामने आएगा। ये होम स्क्रीन में आप अपने मोबाइल नंबर से या ईमेल आईडी से आप इसमें लॉगिन हो सकते हैं। जो ईमेल एड्रेस या फिर जो मोबाइल नंबर आपने मणापुरम के साइट में दे रखे हो, तो यहाँ पे आपने सिंपली आपका ऊपर मोबाइल नंबर और जो भी पासवर्ड आपने सेट कर रखे हो वो आपने डालना है और सिंपली लॉगिन हो जाना है। जैसे ही दोस्तों आप लॉगिन हो जाओगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफ्रांस आपके सामने आएगा। तो उसमें आपको अगर ऑनलाइन गोल्ड लोन के लिए अप्लाई करना है तो सबसे पहले आपके जो मणापुरम के अकाउंट है उसमें गोल्ड होना चाहिए और वो गोल्ड के क्वांटिटी के हिसाब से आपका कितना लोन अमाउंट तक एलिजिबल है वो चीज़ आपको देखना पड़ेगा। तो चलता हूँ, जैसे कि मुझे गोल्ड लोन के लिए अप्लाई करना है तो मैंने यहाँ पे ऑनलाइन गोल्ड लोन जो लिखा हुआ है यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे मेरा टोटल जो डिटेल आने के बाद यहाँ पे एक्सेप्ट पे क्लिक करो और सिंपली कंटिन्यू करो। थोड़ा प्रोसेस होने में समय लग रहा है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों। इसमें देखिए, जैसे यहाँ पे ये इन्वेंटरी विंडो आया, यहाँ पे जो राइट साइड में ये जो एरो का निशान दे रखा है इसको आप सिंपली क्लिक करना है। इस विंडो में आप जान सकते हो कि आपको कितना तक लोन ले सकते हो। जैसे कि मेरे गोल्ड के अमाउंट के हिसाब से यहाँ पे मैं 1,82,000 तक गोल्ड लोन ले सकता हूँ। तो आपके कितना क्वांटिटी का गोल्ड है मणापुरम फाइनेंस के पास, तो उसके हिसाब से आपको मणापुरम जो है आपको पैसा देगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, स्कीम है, जैसे कि सबसे पहले है नेम डीएस स्कीम है, फिर उसके बाद इस स्कीम के तहत इसमें 12% के इंटरेस्ट में मैंने मैक्सिमम 50,000 तक इसमें लोन ले सकता हूँ। अगर मुझे ज़्यादा पैसा चाहिए तो 18.5% के इंटरेस्ट के हिसाब से एस वाई स्कीम में मैंने 1,45,000 तक लोन ले सकता हूँ तुरंत, इमीडिएट। फिर आया 26.5% के हिसाब से एस एक्स स्कीम में मैंने 1,82,000 तक 82,880 रुपये तक लोन ले सकता हूँ। और ये एक्स जी प्लस स्कीम में 25.5% के इंटरेस्ट के हिसाब से 1,70,800 रुपया तक मैंने इसमें लोन ले सकता हूँ। नेक्स्ट एस जी प्लस स्कीम में मैंने 25.5% के हिसाब से 1,58,600 रुपया तक लोन ले सकता हूँ। और एस ए प्लस स्कीम में इंटरेस्ट रेट 25.5% के हिसाब से मैं 1,46,400 रुपये तक लोन
ले सकता हूँ। तो ये है मेरा एलिजिबल अमाउंट जो मैंने लोन ले सकता हूँ, और अलग अलग स्कीम के हिसाब से उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। तो दोस्तों आज मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे डीएस स्कीम है उसमें 12% के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से इसको लोन को हम अमाउंट को कैसे अप्लाई करें। तो राइट में जो एरो दे रखा था उसको आपने सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का स्क्रीन आएगा। यहाँ पे आपने लोन अमाउंट डालना है कि आपको कितना पैसा चाहिए, 50,000 चाहिए या 5,000 चाहिए या 10,000 चाहिए या 20,000 चाहिए, जो भी आपको लोन अमाउंट चाहिए यहाँ पे आप सिंपली डालिए। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे 10,000 लोन अमाउंट के लिए अप्लाई करता हूँ। यहाँ पे मैंने 10,000 लिख दिया। लिखने के बाद यहाँ पे अगर आपने देखना चाहते हो कि कैलकुलेटर की पर डे आपको कितना इंटरेस्ट लगेगा, यहाँ पे कैलकुलेटर को क्लिक करके देखे, यहाँ पे एक दिन के लिए आपको 4.27 रुपया पर डे का इंटरेस्ट रेट रहेगा। ये चीज़ आप जान सकते हो। तो अभी चलते हैं, लोन अमाउंट यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 10,000 मुझे चाहिए। आपने 50,000 तक स्कीम के तहत ले सकते हो, ये डिपेंड ऑन आपके गोल्ड अमाउंट कितना जमा है मणापुरम के पास। तो आगे कंटिन्यू कीजिए। माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, थोड़ा नेटवर्क स्लो होने के कारण प्रोसेसिंग हो रहा है। तो ये आ गया मेरा नेट अमाउंट टू कस्टमर 10,000 रुपया। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं प्रोसीड करूँगा प्रोसीड करने के बाद मणापुरम फाइनेंस से एक ओटीपी आएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे। यहाँ देखिए, जैसे मैंने अपना टोटल डिटेल्स दे रखा हूँ, तो वो डिटेल में आपका अकाउंट नंबर रजिस्टर्ड होगा, आपका जो भी है टोटल डिटेल्स, उस अकाउंट नंबर पे आपका पैसा सीधा जाएगा। यहाँ पे सिंपली आपने एक्सेप्ट करना है और कन्फर्म करना है। कन्फर्म करने के बाद मणापुरम फाइनेंस जो है एक ओटीपी भेजेगा आपके अकाउंट पे। वो ओटीपी को आपने इस जगह पे डालना है, यहाँ पे जो ये ओटीपी है ये डालने के बाद सिंपली सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपके लोन अमाउंट जो है आपके बैंक अकाउंट नंबर, जैसे कि मेरा एक जो भी बैंक है मेरा यहाँ पे डिटेल है, तो उस बैंक पे आपका तुरंत ही विद इन 5 मिनट ये आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा तुरंत ही। तो ये सिंपल, बहुत ये प्रोसेस बहुत सिंपल है दोस्तों। तो मुझे फ़िलहाल लोन का ज़रूरत ही नहीं है, तो यहाँ पे मैंने क्विट करता हूँ। ये वीडियो आप लोगों को बताने के लिए था और आप लोगों को सिखलाने के लिए था। तो दोस्तों अगर मेरा ये जानकारी आपको अच्छा लगा तो मेरा इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि आपके कोई दोस्त को, आपके कोई रिलेटिव्स को ये ऑनलाइन गोल्ड लोन के बारे में जानकारी मिले, और वो बिना मणापुरम फाइनेंस के दरवाज़ा खटखटाए अपने मोबाइल फ़ोन से वो लोन ले सके इमरजेंसी काल में। तो थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।